हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर दैट यू नो वेरी वेल, कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज वेल एज इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो कैपेसिटर को जब हम चार्ज करते हैं, अ कैपेसिटर इज हियर एंड कैपेसिटर में जब हम इसकी चार्जिंग करनी होती है तो हमने यहाँ से कोई बैटरी हमने यूज किया है और इस बैटरी के थ्रू यहाँ से एनर्जी सप्लाई होती है। तो बैटरी के थ्रू इसकी चार्जिंग शुरू हो जाएगी। एक्चुअल बैटरी का मतलब होता है कि इट इज द सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जो इसकी पॉजिटिव प्लेट होती है और ये नेगेटिव प्लेट होती है, सोर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ही हम इसको स्विच ऑन करेंगे यहाँ सिस्टम को, तो यहाँ से चार्ज का फ्लो इस तरह से होकर के और कैपेसिटर की ये जो प्लेट है ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और कैपेसिटर की ये दूसरी प्लेट है ये प्लेट नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। तो इस प्रोसेस में एनर्जी जो स्टोर होती है इस कैपेसिटर के अंदर, इस प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ एनर्जी स्टोर हो जाती है। यू नो वेरी वेल इज द कैपेसिटर हियर, ये फुली चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव प्लेट हो जाएगी, ये नेगेटिव प्लेट हो जाएगी और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इसकी एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो हमारा टॉपिक यही है कि वट इज द एनर्जी स्टोर इन दिस कैपेसिटर एंड व्हाट इज फॉर्मूला एग्जैक्टली। जब भी हम किसी चार्जिंग प्रोसेस की हम बात करते हैं तो कैपेसिटर में जो हम चार्ज सप्लाई कर रहे हैं कैपेसिटर को, तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि वर्क डन बाय बैटरी ऑन चार्जिंग कैपेसिटर बाय डीक्यू तो इसमें जो वर्क डन होता है हमें अच्छी तरह से पता है, ये होता है dWg इक्वल टू वी डी क्यू। अब V क्या है? V ये अप्लाइड वोल्टेज है जो हमने यहाँ पे यूज किया है। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से है? दैट वी नो वेरी वेल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q। तो अगर हम स्मॉल चार्ज यूज करेंगे तो स्मॉल वोल्टन कितना हो जाएगा, इसी को अगर मॉडिफाई करें, देयर फोर द V इज इक्वल टू, अगर स्मॉल वोल्टन हो रहा है dW अपॉन स्मॉल चार्ज आपने डी क्यू सप्लाई किया है, यहां से V इक्वल टू dW अपॉन dQ, तो यहां से dW कितना आ गया मेरे पास, dWg इक्वल टू VdQ। इस फॉर्मूले को मैंने यूज किया है कि स्मॉल वोल्टेज चार्जिंग इज VdQ। अब यहां पे हमें ये देखना है कि जो V है, दिस पोटेंशियल जो हमने अप्लाई किया है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये V, दिस V इज अगेन अ फंक्शन ऑफ चार्ज Q। तो हम अच्छी तरह जानते हैं एज Q इज इक्वल टू CV, तो यहां से मैंने इस V को रिप्लेस कर दिया है, देयरफॉर V इज इक्वल टू Q by C। Let me put this value here। ये value अगर मैं यहाँ put कर देता हूँ तो हमारा result बन जाएगा ये dWg equal to V कितना हो जाएगा Q by C into dQ। तो total work done कितना हो जाएगा, इसको mitigate कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास total work done आ जाएगा। Total work done and it is here integration of dW और यहाँ से 1 upon C बाहर आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा integration of Q dQ। कहाँ से कहाँ तक है ये, 0 टू कैपिटल Q। यहाँ पे टोटल चार्ज हमने कैपिटल Q इसको दे दिया है, तो कितना बन जाएगा, इट इज हियर 1 अपॉन C, इट बिकम हियर Q स्क्वायर बाय 2 इज हियर और ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू Q की लिमिट हो जाएगी। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 2 C आउटसाइड आ जाएगा एंड इट बिकम हियर Q स्क्वायर माइनस 0 एंड दैट कम्स आउट टू बी, यहाँ पे अगर हम इसको मेंशन करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास Q square by 2C। In this way, this work done in charging the capacitor by the battery is stored as energy stored, or energy stored का हमारा formula हो जाएगा, यहां से U is equal to Q square by 2C। और इसी formula को हम change कर सकते हैं, अगर हम Q की value यहां पे Q is equal to CV put करते हैं, तो it become here half CV square, और यह formula हमारा बन जाएगा, अगर हम इसको third form में लिखते हैं, it is here half of Q into V। So this one is the energy stored in capacitor. Here, let me discuss the next topic and it is here the energy density of parallel plate capacitor. So jo energy density hoti hai, energy density is simply the energy stored per unit volume. Energy density of parallel plate capacitor hume discuss karna hai, PPC. To ye hota hai energy density, it is here small u is equal to energy stored over volume. अब energy stored per unit volume में parallel plate capacitor के लिए discuss करना है। तो energy stored we know very well, हमने भी discuss किया था, half C V square।
ये जो फॉर्मूला होता है, ये एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर का फॉर्मूला हमारे पास है, हाफ सी वी स्क्वायर, और यहाँ पे अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज ए इंटू डी, जहां ए एरिया होता है और डी इसकी प्लेट्स का सेपरेशन होता है टू प्लेट्स का। यहाँ पे अगर मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ड्रॉ करता हूँ, इस तरह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की टू प्लेट्स हमारे पास होती हैं, वन ऑफ द प्लेट इज हियर एंड सेकेंड प्लेट इज हियर, ये दो प्लेट्स मेरे पास हैं, और यहाँ पे ये प्लेट पॉजिटिव प्लेट है और ये प्लेट नेगेटिव प्लेट है, दिस बीइंग पॉजिटिव एंड दिस बीइंग नेगेटिव प्लेट, तो यहाँ पे इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है, और इसका एरिया कितना हमारे पास, ए है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो ये वॉल्यूम ऑटोमेटिकली आप समझ गए होंगे, दिस वॉल्यूम इज एरिया इंटू डी, ये वॉल्यूम मैंने यहाँ पुट कर दी। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम एक बात अच्छी तरह जानते हैं, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो सी का वैल्यू होता है इसके लिए एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, दैट यू नो वेरी वेल, इंटू वी स्क्वायर। अब यहाँ से ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको चेक करते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट एंड इट इज हियर वी बाई डी एंड इट्स होल स्क्वायर। अब हम एक बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जो वोल्ट पर मीटर होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसका यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, और इसका मतलब एज यू नो वेरी वेल E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वाई डी आर होता है, तो इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड यूज करता हूँ, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लेता हूँ तो E इज इक्वल टू डी वी वाई डी आर, मैग्नीट्यूड में ये फॉर्मूला आएगा, एंड V इज द वोल्टेज हियर एंड R इज द डिस्टेंस हियर, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा V वाई डी, तो यहाँ पे जो V वाई डी हमने यहाँ सॉल्व किया है इसको रिप्लेस कर देंगे हम E से, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, इट बिकम हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू E स्क्वायर, तो इन दिस वे वी गॉट दिस फॉर्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो आपको जो दो रिजल्ट्स हमने अभी ड्राइव किए हैं, वन इज द एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर प्लस एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये दोनों रिजल्ट हमें अच्छी तरह से याद होने चाहिए। लेट मी डिस्कस द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर। क्वेश्चन इज, शो दैट द फोर्स ऑन ईच प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज मैग्नीट्यूड हाफ क्यू ई, where Q is the charge stored in the capacitor and E is the electric field between plates of the capacitor. So to proceed this question, हमें थोड़ा सा यहाँ पे energy density की help लेनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको given है कि parallel plate capacitor हमारे पास है। This one is the parallel plate capacitor. तो parallel plate capacitor में जब हम अच्छी तरह जानते हैं इसकी charging हो रखी है and इसके अंदर इसकी एनर्जी डेंसिटी एग्जिस्ट करती है, ये हमने अभी टॉपिक डिस्कस किया था, ये पॉजिटिव प्लेट हमारे पास है, ये नेगेटिव प्लेट हमारे पास है, और यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। जो चार्ज ऑन कैपेसिटर होता है वो ये पॉजिटिव प्लेट जो चार्ज इनर साइड पे जो चार्ज होता है इसी को हम चार्ज ऑन कैपेसिटर बोलते हैं, दिस चार्ज इज क्यू इज हियर। अब यहाँ पे इसके बीच में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, अब इनके बीच का सेपरेशन, अपना सेपरेशन इसका डी है, तो प्लेट सेपरेशन इज डी हियर। तो आप अच्छी तरह देख रहे हैं ये प्लस प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, तो डेफिनेटली इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर रहा होगा, वो यहाँ पे एक्ट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। अब यहाँ पे हमें निकालना है फोर्स एक्टिंग हियर, तो अगर हम इस प्लेट को, जो नेगेटिव प्लेट है, इस प्लेट को थोड़ा शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे इसकी पोजिशन को चेंज करते हैं, तो अगर मैंने इस पोजिशन को यहाँ तक चेंज कर दिया है, इसको हमने थोड़ा सा यहाँ से इसको डॉटेड लाइन से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है, एंड नेगेटिव प्लेट इज जस्ट शिफ्टेड हियर, इसको हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया नेगेटिव प्लेट को, तो इसको शिफ्ट किया मैंने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स से, तो डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करने के लिए मुझे जो अट्रैक्शन फोर्स था इस पे, इस नेगेटिव प्लेट पे जो अट्रैक्शन फोर्स यहाँ लग रहा था, इस डायरेक्शन में लग रहा था, इसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंसी एंड इट विल बी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू डेल्टा एक्स, ये वर्टन हमें करना पड़ेगा टू इंक्रीज द सेपरेशन बाय डेल्टा एक्स। तो हम अच्छी तरह जानते हैं जो एनर्जी डेंसिटी होती है उसको अब हम यूज करेंगे, एनर्जी डेंसिटी इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो एनर्जी डेंसिटी हमारी किसी भी कैपेसिटर के लिए कांस्टेंट होती है, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, जो कि कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, दैट यू नो वेरी वेल, ये प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर हमारे पास हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कैपेसिटर में, ये पॉजिटिव प्लेट हमारे पास है, ये नेगेटिव प्लेट हमारे पास है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इट ऑलवेज रिमेनिंग कॉन्स्टेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी जो हमारे पास होती है इसको मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एंड इट इज हियर,
energy density is equal to it is here energy stored over increasing volume. अब यहां पे ये पॉइंट थोड़ा हमें समझना है कि हमने यहां पे इंक्रीजिंग वॉल्यूम को यूज किया है, क्योंकि जो हमने वर्क डन किया है, इस वर्क डन होने की वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड हुई है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम के कॉरस्पॉन्डिंग तो कितना चेंज हुआ है, उस चेंज को हमें चेक करना है यहां पे। तो यहां से अगर समझे हम तो एनर्जी स्टोर्ड कितनी आ जाएगी, यहां से हम एनर्जी स्टोर्ड को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो एनर्जी स्टोर्ड कम्स आउट टू बी इट इज हियर एनर्जी डेंसिटी एंड इनटू इंक्रीज इन वॉल्यूम इट इज हियर इंक्रीज इन वॉल्यूम, ये मैंने यहां से रिप्रेजेंट कर दिया है। एनर्जी डेंसिटी वी नो वेरी वेल, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और इंक्रीज इन वॉल्यूम इज इट इज हियर ए डेल्टा एक्स, जो वॉल्यूम इसका इंक्रीज हुआ है, और जो ये एनर्जी स्टोर्ड है ये वर्क डन के बराबर हो जाएगा। दैट नो वेरी वेल, क्योंकि जो हमने एक्सटर्नल वर्क डन किया है तो वो जो एक्सटर्नल वर्क डन होगा वो एनर्जी स्टोर्ड के फॉर्म में अपीयर हो जाएगा, और ये एनर्जी स्टोर्ड हमारे पास कितनी है यहां से, ये हो जाएगी एफ इनटू डेल्टा एक्स। अब इसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, अब डेल्टा एक्स यहाँ भी हमें गिवन है, डेल्टा एक्स यहाँ भी गिवन है, कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दिस वे दिस एफ बिकम हियर हाफ एप्सिलॉन नॉट ऑफ, यहाँ पे ई स्क्वायर है, ई स्क्वायर को मैंने ई इंटू ई लिख दिया है इंटू ए इज हियर, इसको थोड़ा मैनेज कर लेते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, वी नो वेरी वेल ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज हियर ए इज हियर, और सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेते हैं, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, और ये आ जाएगा हमारे पास वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड सिग्मा इज चार्ज अपॉन एरिया, क्यू बाई ए होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी को चार्ज अपॉन एरिया। अब ए से ये ए कैंसिल आउट हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दिस वे वी गॉट द आंसर हियर हाफ क्यू ई। तो यही हमें फाइंड आउट करना था कि जो फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर लगता है, जो पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट जो फोर्स लगाएगा वो कितना आएगा, हाफ क्यू ई आएगा, इज टू बी प्रूव्ड हियर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हाफ यहाँ पे क्यों यूज किया गया है, कैपेसिटर केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स के इन बिटवीन एग्जिस्ट करता है, एक कैपेसिटर मेरे पास है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ एग्जिस्ट करता है और जस्ट आउटसाइड यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अगर हम इनका एवरेज लेते हैं, इसका और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एवरेज लेते हैं, तो हाफ आ जाता है, जिसकी वजह से हाफ फैक्टर यहाँ पे यूज हुआ है।